ओ भाई साहब, थोड़ा सा मुझे तो फिर पूरे रोड पे चढ़ानी पड़ेगी। ओ निकल जाएगी। हाय एवरीवन, ऑन अ ह्यूज डिमांड फाइनली आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन टोयोटा इनोवा। ये डीजल वाला मॉडल है जो बहुत पॉपुलर है। इनोवा अपने सेगमेंट में बहुत पॉपुलर है। मेरे ख्याल से मुझे उस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि इनोवा कितनी पॉपुलर है। आप थोड़े बहुत वाइब्रेशन, आप बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, गियर स्टिक में वाइब्रेशन है, स्टेयरिंग में बिल्कुल अब नहीं है। मैंने इस पर हाथ लगाए थे, मेरे ट्रांसमिट हो गए थे, अब नहीं है। ठीक है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। आज आपको जो है इसको थोड़ा बहुत ट्रैफिक, फिर हाईवे का मैं ट्राई करूँगा अगर, क्योंकि यहाँ के जो हाईवे ना मेरे एरिया के महेंद्रगढ़ के इतने अच्छे नहीं है। बहुत लंबी गाड़ी दिखाई देती है, मैंने सीट अपने अकॉर्डिंग सेट कर ली है। और बस मुझे जो ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं ना, वो इसी में आ रहे हैं, मैं इस गली में लेके जाऊंगा। मैं आपको इसमें सिर्फ ट्रैफिक ड्राइविंग दिखाऊंगा, ठीक है। और सामने से गाड़ी भी आ गई है मेरे ख्याल से। लाइट दे रहा हूं मैं, वहां निकाल लेता उस पे। सॉरी, थोड़ा सा मुझे तो फिर पूरे रोड पे चढ़ानी पड़ेगी। अगर आप वहीं रोक लेते ना तो मैं निकाल लेता यहाँ से, आप फिर आगे ले आए। उस पे एल का साइन भी लगा हुआ है, तो आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा वो कुछ करना चाहिए था। और फिर प्लीज़ कह रही थी लेडी, तो आई थॉट कि चलो उससे मैं पूछ लेता हूँ कौन सी साइड जाना है। इधर जाना है कि इधर जाना है? इधर। लाइन दे दी मुझे एक, थैंक यू। चलो गुड। वो मैंने बोला ना कि लाइन दे दी एक, वो पता दूसरे को क्या कह रहा था, इसने ना कैमरा लगा रखा है। हेलो गाइस, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ। चलो ठीक है, यही गली थी वैसे मुझे जिसमें से निकालनी थी ना। चलो, नो डाउट इनोवा में मज़ा आता है, अनलेस कोई सामने से ना आ जाए, क्योंकि गाड़ी बहुत ही लंबी है यार। इट नीड्स आगे सेंसर है शायद, यस। ये टॉप मॉडल है बाय द वे, ओनर को मोदी जी, मैं पूरा नाम सॉरी मैं नाम भूल गया पूरा, मोदी जी नाम है लेकिन अपने यहीं के हैं, उनकी गाड़ी है। 27 लाख का उनको जो है ऑन रोड पड़ा था ये मॉडल। गुड, ये चाबी यहां से निकाल लेता हूं, ये मैं जेब में रख लेता हूं क्योंकि ना ये बार बार आवाज कर रही है। इनोवा का असली मजा आएगा जब थोड़ा सा इसको लेके जाऊंगा ना रोड पे।
चलो मैं यहां से निकालता हूँ। ये नहीं देखा यार आप लोगों ने, देखना चाहिए था जब मैंने एक्सल्यूट किया ना, पूरा ऐसा गियर स्टिक। मैं कोशिश करूंगा आपको नैरो स्ट्रीट्स में लेके जाऊं। इनोवा है, मुझे थोड़ा बहुत ये भी है कि यार किसी और की गाड़ी लग ना जाए मेरे से, तो वो है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो इसको भी निकल जाने दो, बाइक खड़ी है थोड़ी उधर। यहाँ से राइट, ये देखना तगड़ा है। मैं काम करूंगा ना अभी रोक के, ये जो कॉइन वॉइन है ना इनको थोड़ा रख करूंगा, ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। ब्रेक मार रहा हूँ ना, तब यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी कहाँ रख दूँ ये भी मैं, और एक गिर गया, कोई नहीं ये भी पॉकेट में ही रख लेता हूँ। इस गाड़ी की बुराई तो कर ही नहीं जा सकती, और सही बताऊं मुझे रिवर्स करने में भी गाड़ी को ना कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी अच्छी है, मिरर्स भी बहुत बड़े हैं गाड़ी के, और बिल्कुल भी ये नहीं डर लगा कि कहीं पे गाड़ी लग जाएगी। ठीक है, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी चलाने में। निकाल ले भैया, कोई ना, थोड़ा बहुत अब किसी और को करवा देते हैं। इनको भी लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, थैंक यू। इनसे थोड़ा बच के जो है ना, लाइट यहीं से दे दी, कभी नेक्सोन अंदर आ जाए, वैसे तो खड़ी है वो। एक पता नहीं मेरे साथ टच वुड ही ऐसा है कि मैं एकदम जैसे नई गाड़ी में बैठता हूं तो आई डोंट, फील एनी डिफरेंस, मतलब मुझे नहीं लगता कि गाड़ी मुझे लग जाएगी, मैं चला नहीं पाऊंगा, या कॉन्फिडेंस की थोड़ी बहुत कमी हो रही है। देख लेता हूँ, निकल जाएगी। कर ले भाई थोड़ी, मेरी नहीं है, नहीं तो मैं निकाल लेता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करता भाई, मतलब लग जाएगी तो क्या बात है, हेल्प ले लेंगे किसी की। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ही निकालूंगा,
क्योंकि गाड़ी किसी और की है यार, लगनी नहीं चाहिए। जिस कॉन्फिडेंस में मुझे किसी ने गाड़ी दिया ना, तो हम इतना तो ध्यान रखना चाहता हूँ उनकी गाड़ी का, ठीक है? तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ कि भाई लग रही है क्या। और आप भी शर्म मत करा करो, गर्दन बाहर निकाल के मैंने देख ली, उस स्कूटी में नहीं लग रही थी, लेकिन वहाँ की विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग। अब भाई मैं अभी हूँ तो ह्यूमन बीइंग ही, मुझे भी एकदम बिल्कुल कॉर्नर का दिख नहीं रहा। सेंसर भले ही बता रहा है कि हाँ वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, लेकिन कितना दूर है, 1 इंच दूर है, 5 इंच दूर है, वो नहीं पता रहता। ठीक है, मजा तो आता है। और इसके बाद ना थोड़ा गलियों से निकालिए, फिर मैं आपको एक छोटा सा अटल जा अंकल जी फिर लेके चलूंगा रोड पे। गियर तो टाइट डलते हैं वैसे इनोवा के, बस देखा पता है इनोवा बिकती क्यों है, अपने कंफर्ट की वजह से। और इंजन पावर, रिलायबिलिटी, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस अबाउट टोयोटा इनोवा और टोयोटा एनी कार, टोयोटाज एनी कार, कि इनकी जो लाइफ होती है ना भाई, बहुत ही ज्यादा। चलो देखा तो सिक्कर है क्या। चले अब रोड की तरफ चलो, वरना ज्यादा लंबे वीडियो हो जाएगी। वैसे तो आई नो यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस वीडियो, बट इसको ज्यादा इंटीरियर एक्सटीरियर का मैंने ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा क्योंकि टोयोटा हाईक्रॉस रिवील कर दी गई है, ये पता नहीं अब कितने टाइम तक और आपको मिलेगी। और पुरानी, मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दिस इनोवा इज इन द मार्केट, तो आई डोंट थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन, न्यू थिंग्स टू एक्सप्लेन, तो मैंने कर दिया। मतलब ये मेरी लोग ज्यादा वीडियोस देखते ये वाली, तो मैंने सोचा चलो इसी पे कंटिन्यू करते हो। भाई साहब ABS इज वर्किंग परफेक्टली, क्या रोर कर रही है। दूसरे गियर में भाई, पहले गियर में तो बूस्ट है, सेकंड गियर में उससे ज्यादा भाग रही है, वरना गाड़ी सबसे ज्यादा पिकअप जो है ना पहले में लेती है। इसका देखना एक बार, नीचे कर देता हूँ। अगर कोई मेरी वीडियोस देखता रहता है लगातार, तो ये जरूर भी पता होगा कि मैं हॉर्न बहुत ज्यादा बजाता हूँ फॉर माय ओन सेफ्टी प्लस आगे वाले की। एंड यस, मेरा ब्रेक्स पे कंट्रोल रहता है, तो आप कभी मैं सोचा करो कि गाड़ी उसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, यहाँ पे रोड रोड बनेगा शायद। थोड़ा सा स्लिप कर गई थी गाड़ी, स्केट कर गई थी रोडियों की वजह से, तो वो तो कंट्रोल कर ली। मुझे तो मजा आता है नई नई गाड़ियां चलाने में। अगर कोई मुझसे ये पूछे ना मेरा फेवरेट जॉनर क्या है वीडियोस का, क्या मैं ड्राइविंग सिखाना मुझे ज्यादा पसंद है, तो मुझे नई नई गाड़ियां चलाना पसंद है। आज ये गाड़ी चलाई, कल वो गाड़ी चलाई, दिस इज माय फेवरेट स्टफ। बाकी सिखाना, ड्राइविंग सिखाना, टेक्निकल चीजें बताना, ये भी साइड बाय साइड चलती है, लेकिन इस चीज में ना मेरी जान बसती है। अलग अलग गाड़ियां चलाना, वीडियोस तो बनाना बाद की बात है। अगर ये गाड़ी मुझे वीडियो बनाने के बगैर भी मिलती ना, कि इनोवा चला सकते हो, वीडियो नहीं बनाने मिलेगी, तो भी मैं चलाता। आई डू दैट फॉर माई ओन प्लेजर। क्या मस्त चीज बनाई है टोयोटा ने भाई, बहुत चौड़े चौड़े पिलर, चौड़ा चौड़ा विंडशील्ड, थोड़ी गर्मी भी लगने लग गई है अब। वीडियो लंबी है मेरे ख्याल से, बट आई थिंक यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस वीडियो, यू लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ।
इसकी बजाय ना सीधे चलते हैं, मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया था वैसे तो। इतनी कम स्पीड पे इतना बिल्कुल ही बैलेंस से बाहर हो गई। नहीं,